एज में जाना है आपको। हाँ एज में जाओ, यहाँ पे जाओ, ये टूल्स में, यहाँ पे देखो तीन डॉट्स है, यहाँ पे जाना है सेटिंग, सर सेटिंग में जाने का है। सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा डिफॉल्ट ब्राउजर, यहाँ पे आपको मिलेगा डिफॉल्ट ब्राउजर, देखो इधर डिफॉल्ट ब्राउजर डाउनलोड के ऊपर डिफॉल्ट ब्राउज़र यहाँ पे जाइए, अलाउ साइड इधर, हाँ सेकंड नंबर उसके नीचे, नहीं, वहां पे नहीं, उसके नीचे, उसके नीचे डिफॉल्ट के नीचे क्या? डिफॉल्ट के नीचे अलाउ करना है हेलो। डिफॉल्ट, हाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड पेज, इसको ऐड करो, यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करना है, हाँ सर। यहाँ पे सब वेबसाइट को पेस्ट कर दो जहां से आप टेंडर भर रहे हो, ऐड अच्छा। ऐड कीजिए, ओके बस इसको अभी यहाँ पे अभी वेबसाइट ऊपर डाल दीजिए, महा टेंडर्स, जिस भी साइट से आप टेंडर भर रहे हो इसके ऊपर डालने का क्या सर? हाँ डायरेक्ट वहीं पर डाल दीजिए, अभी डालिए महा टेंडर्स, आपके पास पेस्ट है ना, कॉपी किया हुआ है, डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे तो भी चलेगा, ठीक। खोलिए ओपन कीजिए, देखो ये ब्राउजर पहले का जो वेबसाइट था वो किसमें खुल रहा था, एज में, पेज अभी में। ये जो वेबसाइट खुल रहा है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुलेगा। अच्छा। हाँ यहाँ पे क्लिक है टू लॉग इन, लॉग इन हाँ कीजिए, क्लिक है टू लॉग इन, सर। इसमें आईडी डालू क्या वो? हाँ नेवर ना, हाँ कीजिए आईडी डालिए, प्रोसीड। या फिर आपके लिए दूसरा एक ऑप्शन है नेबर, हाँ या ओके, कि आप इसको मोजिला, नहीं नहीं हुआ नहीं, ये सेटिंग नहीं हुआ, देखो सेटिंग होगा तो परफेक्ट आएगा, लॉग आउट करो, हाँ लॉग आउट कर दूं क्या सर? फिर से जाओ पहले वाले सेटिंग में यहाँ पे, या फिर मोजिला फायरफॉक्स में यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये सेटिंग में, सेटिंग में वेबसाइट के सेटिंग में, सेटिंग कहीं पर मिस्टेक हुआ, डिफॉल्ट ब्राउजर इनकम्पलीट साइड मोड पे क्लिक कीजिए, इन होने ऊपर, हाँ यहाँ पे लेट्स इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो नहीं वो बराबर है, कैंसिल करो इसको, यहाँ नहीं लेट इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर कंपलेबिलिटी में हाँ इसमें इसको एल ऑलवेज रिकमेंड, ये हमारा छोड़ दिया था हम लोग, बस अभी यहाँ पे मार्टिंडस का साइट खोली, अभी आ जाएगा, देखो खोलिए साइड, अभी ये इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में खुलेगा, क्लिक है टू लॉग इन, एक बार साइड एक काम करो, एक बार वेब से ब्राउजर को क्लोज कीजिए पूरा, हाँ हाँ और फिर से ओपन कीजिए तो शायद ये परफेक्ट हो जाएगा अपना, अभी खोलिए यहीं पर, हाँ महा टेंडर्स का डाल साइड डाल दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, देखो यू आर इन इंडियन एक्सप्लोरर मोड आ गया, हाँ हाँ क्लिक हियर टू लॉग इन, अभी लॉग इन कीजिए, चलिए सही आपका आईडी पासवर्ड, इसको कभी भी लीव नहीं करना है, लीव के बटन पे क्लिक नहीं करना, अच्छा। ये आपके पास दूसरा और एक ऑप्शन है कि आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करो, जो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, या ठीक फिर दोनों ऑप्शन अवेलेबल एनीवन। देखो आ गया ना ऑप्शंस, पहले नहीं आ रहा था है ना, हाँ लेटर वे रन का आएगा, ये विंडोज 11 में ये प्रॉब्लम है, तो विंडोज 11 के लिए ये ऐसा करना पड़ेगा, रन, रन कर दूं क्या? हाँ लॉग इन, आपके पास देखो डीसी आपके पास लगा डीएससी का ड्राइवर नहीं है, हुआ? हाँ सर। डीएससी लगा हुआ है, हाँ लगाया हुआ, अभी लगा लगाया। हुआ, अच्छा
हाँ अभी लगाया, अभी फिर से और लॉगिन पे ओके कीजिए, ओके कीजिए उसको और लॉगिन कीजिए। अभी ड्राइवर है? ड्राइवर नहीं है सर, नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। अभी ड्राइवर जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अभी मिनिमाइज कीजिए, ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए। ये डीएससी के प्रॉब्लम के वजह से ऐसा आया था, मतलब आपका सेटिंग परफेक्ट है पर डीएससी का ड्राइवर का प्रॉब्लम आ जाएगा, थोड़े दिन में पॉप अप आएगा। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, फिनिश हो गया। अभी फिर से इसको क्लोज कर, इसको पहले वाले को खाली क्लोज कीजिए, फर्स्ट वाला टैब, और नहीं तो पहले वाले मार्ट इंडेक्स के वेबसाइट पे चलिए। हाँ बस बस वो खुला हुआ है, खुला हुआ है। हाँ लॉग इन, यस 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 ओके। अब फिर से लॉग इन, आपका वेबसाइट अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो देखो देखो नीचे अभी सेटिंग में है पड़ा हुआ। हाँ उसको फिनिश कीजिए, अभी कीजिए लॉग इन, अभी लॉग इन कीजिए। अभी क्यों नहीं हो रहा है? ओके कीजिए। अभी एक बार ई पास खोलिए, वहां से सर्च करके ई पास खोलिए। ई पास आया क्या? हाँ आ गया ई पास टोकन मैनेजर। डीएससी का सीरियल नंबर मैच करेंगे एक बार। लॉग इन, ऊपर से लॉग इन, यहाँ पे लॉग इन, पिन। पर ज्यादा दिन रुकने ओके देखो ये आपका डीएससी, इस पे क्लिक करो, अपडेट ट्रीटेड, ये एक्सपायर हो गया शायद। रुपेश बाला साहब यहाँ पे क्लिक करना है, अपडेट नीडेड, हाँ वहां पे क्लिक कीजिए। हाँ हाँ तो इसका सीरियल नंबर क्या है देखो, 177091। यहाँ पे डीएससी का सीरियल नंबर क्या है? अलग है, मतलब यहाँ पे जो डीएससी है और जो आप लगा रहे हो वो दोनों डीएससी अलग अलग है। अच्छा। यही सीरियल नंबर वाला डीएससी चाहिए, हाँ, तो ही ये लॉग इन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर जो डीएससी कहाँ से लगा, दो डीएससी है मेरे पास, वो जो टेंडर आपने, हाँ, तो शायद वो दूसरा वाला डीएससी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। अच्छा वो डीएससी लगाएंगे तो ही लॉग इन होगा। वो डीएससी है आपके पास अभी? नहीं सर, वो तो टेंडर वाले से। हाँ तो वो उनसे लेके आओ और कल हम लोग फिर आगे का देखेंगे, यहाँ से आपका लॉगिन हो जाएगा, इसलिए लॉगिन नहीं हो रहा है अभी। और ये सीरियल नंबर और वो सीरियल नंबर मैच होना चाहिए। अच्छा सर, ये डीएससी नहीं लगा सकते क्या फिर? नहीं, जो यहाँ पे जो सीरियल नंबर है और आप जो डीएससी लगाए, दोनों का सीरियल नंबर एक होना चाहिए। वो सीरियल नंबर सर, ये डीएससी जो है तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अटैच करना पड़ेगा क्या? हाँ तो फिर पहले वो डीएससी लाना पड़ेगा, वो डीएससी वहां से निकालना पड़ेगा, फिर ये डीएससी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, कल मैं वो डीएससी लेके आता। हाँ वो डीएससी लेके आइए, तो हम लोग आगे का आपको बता देता हूँ। हाँ ठीक है, सेटिंग तो पूरी हो गई ना सर? सेटिंग परफेक्ट हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लॉग इन करके देखो बाद